कहाँ गायब हो गया छोरा? अरे डूब गया भाई। अरे कहाँ गया वो? 8:30 बज गए मेरे को होटल ढूंढने में। होटल ढूंढने में काफी टाइम लग गया क्योंकि कोई कोई थोड़ा और चार करना पड़ेगा इनको। ओ भाई मछली आ गई। और ये भाई ओ इस बार अंकल जी लगा दिए छलांग, क्या बात है। ओ भाई अपन निकालेंगे आराम से, काफी बड़ा गड्ढा है और पानी भी बहुत भरा हुआ है इसके। और कमाल की बात यह है कि आज जन्माष्टमी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है नज़ारा अपने होटल से दोसा का। बगल में हरियाली हरियाली हरियाली, तो क्या जंगल है जिसके अंदर बबूलों के पेड़ उगे हुए हैं कांटों वाले। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रात को काफ़ी लेट हो गया था मैं, 8:30 बज गए मेरे को होटल ढूंढने में। होटल ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि ढंग का कोई होटल नहीं मिल रहा था। जो ढंग के थे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस थे और जो लो प्राइस में थे वो बिल्कुल बेकार थे। तो फाइनली मशक्कत करने के बाद एक होटल मिला हल्का सा ठीक ठाक सा। तो अभी अपन हो चुके हैं रेडी फिर से अपनी जर्नी पे कंटिन्यू होने को। होटल से चेकआउट करते हैं और ये होटल मेरे को पड़ा 1000 रुपये एक नाइट का। तो आपको दिखाता हूँ होटल कैसा है। ये होटल था अपना एक नाइट का 1000 रुपये, ठीक ठाक है ना, बढ़िया है ना बेकार है। पर हाँ एसी रूम था तो कोई दिक्कत नहीं है रात को, बल्कि ठंडी लग रही थी और ओढ़ने का भी ना कुछ दिया इन्होंने, बट चलो कोई ना, सम हाउ वी मैनेज। हेलो दोस्तों, तो अपन ने कर दिया होटल से चेकआउट और अपन निकल चुके हैं अपने अगले स्पॉट के लिए जो कि है गेट ऑल ऑफ बर्ड हैबिटेट। एक तरह से वो यहाँ का पिकनिक स्पॉट है दौसा का। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है। मैं कल शाम को गया था वहाँ पर अंधेरा हो गया था, तो अंधेरे में कुछ आपको दिखा नहीं पाता ढंग से, इसलिए फिर मैं अभी सुबह दोबारा जा रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से शूट करके दिखा सकूँ। बाकी आप नज़ारा लीजिए इन प्यारी प्यारी सड़कों का, इस प्यारे से सफ़र का, जब तक मैं आपको लेके चलता हूँ गेट ऑल ऑफ बर्ड हैबिटेट। ये था यहाँ का एंट्री गेट। यहाँ पे हमारे को एक घोड़ी दिख गई। अरे भाई यहाँ से चलते हैं अपन नीचे। और ये देखिए नज़ारा, एक तरह से दोसा सिटी का पिकनिक स्पॉट है।
ये जो है वाटर पॉन्ड है, साथ में इन्होंने गार्डन सा बना दिया है बच्चों के लिए, झूले वगैरह। और ये पॉन्ड काफ़ी बड़ा है और देखोगे यहाँ पे जो लोकल लोग आते हैं घूमने, वो इस पॉन्ड में नहाने का मज़ा ले रहे हैं और तैर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। भाई अपन को तैरना नहीं आता, नहीं तो भाई मैं तो निकल जाता इसके अंदर। तो अपन आए रेडी होके नहा धो के, तो भीगने का इरादा तो अपना है नहीं फिलहाल। बाकी आप नज़ारा देखिए यहाँ का, क्या नज़ारा है, बिल्कुल एकदम चारों तरफ हरियाली है, झिलमिलाता पानी है और ये शानदार सा गार्डन जहाँ पे यहाँ के लोकल लोग और टूरिस्ट भी आए हुए हैं। पेड़ देखो यार दोस्तों, कितना बड़ा पेड़ है ये। तो दोस्तों एक बार चलते हैं पानी में, नहा नहीं सकते पर पैर तो गीला कर ही सकते हैं। होई होई, थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा इनको। वाह यार क्या जगह है ना। ओ भाई मैं देख रहा हूँ कितनी दूर तक लोग तैर रहे हैं। यहाँ पे एक भाई को तैरना नहीं आता, टायर गले में डाल के तैर रहा है। और यहाँ पे कोई लेडीज शैम्पू साबुन लगा के इसके अंदर धो रही है, जो कि गलत है भाई, साबुन यूज नहीं करना चाहिए इसके अंदर। वहाँ आपको दूर दिख रहा है, वहाँ कोई स्पोर्ट सा बना हुआ है, कोई छोटी सी घुमटी बनी हुई है, जैसे या तो कोई मंदिर है, क्या है, फोकस हो जाए भाई। वहाँ कोई घुमटी सी बनी हुई है बीचों बीच, आई थिंक बारिश के टाइम पे डूब जाता है पानी, यहाँ तक आ जाता है। और सूखे के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे आई थिंक ये जो यहाँ पे बनी हुई सीढ़ियाँ बाहर निकल जाती है। ये देखो यहाँ पे बैठने की सीढ़ी बनी हुई है जिसपे पानी भरा हुआ डूबा हुआ है, मतलब बारिश के दिनों में यहाँ इतना ऊपर तक पानी आ जाता है, बाकी नॉर्मल डेज में पानी नीचे ही रहता है। आई यहाँ पे एक मंदिर का ट्रस्ट भी है, वो मंदिर किस चीज़ का है देखेंगे अभी चल के अपन। और यहाँ से देखिए आप नज़ारा यहाँ का शानदार, किनारों पे पॉन्ड के किनारों पे अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े। चलो एक बार गार्डन में चलते हैं अपन। यहाँ पे देखो दोस्तों किनारों पे इन्होंने पाम ट्रीज लगा रखे हैं, आई थिंक ये पाम ट्रीज ही हैं, बाकी कुछ और कहते हैं तो पता नहीं भाई, कमेंट करके बता देना क्या बोलते हैं ट्रीज को। और यहाँ पे काफ़ी फैमिली आई हुई है जो पिकनिक मना रही है, झूले झूल रही है।
और मैं आपको बता रहा था ना बीच में कोई स्थान है, वहाँ मूर्ति स्थापित है आई थिंक शिव जी की, पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आएगा नहीं आएगा, पर वहाँ पे जो है भोलेनाथ की मूर्ति है। ओ भाई यहाँ पे लोग मछली को दाना डाल रहे हैं पर मुझे नजर नहीं आ रही कोई मछली। क्या डुबकी लगाई है ना छोरे ने, डीजे बना। ये भाई थक ही नहीं रहा कूद कूद के यार, कितना कूदेगा। ओ भाई मछली आ गई, क्या कहाँ गायब हो गया छोरा? अरे डूब गया भाई, अरे कहाँ गया वो? अरे बाहर आ जा भाई। अरे भाई यहाँ डुबकी मार के कहाँ निकला भाई, देखो हैं गजब का तेरा आके भाई है। हम उसको यहाँ देख रहे हैं वो वहाँ गया। ये देखो अभी एक और भाई आ रहा छलांग मारने, और ये भाई मजा ना आया यार। अरे तेरी और कोई है भाई, कहाँ से कहाँ गया ये। ओ इस बार अंकल जी लगा दिए छलांग, क्या बात है। ओ भाई चलो चलते हैं। वो देखो दोस्तों वहां पानी के बीच में एक स्थान बना हुआ है जहां पे भोलेनाथ विराजमान है। इसमें अगर यार बोटिंग और हो रही होती ना तो मज़ा आ जाता, बोटिंग करते अपन। बट यहाँ पे बोटिंग का कोई सतुना नहीं है क्योंकि पौंड तो भाई साहब बहुत ही बड़ा है, इसका अंत दिख ही नहीं रहा है कहाँ एंड हो रहा है। बहुत बड़ा पौंड है भाई। हेलो दोस्तों, तो बताइए कैसा लगा आपको ये उद्यान, ये जगह दौसा सिटी राजस्थान में, दौसा के अंदर। ये एक तरह का यहाँ का पिकनिक स्पॉट है, यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने वैकेशन मनाने आते हैं और बाकी डेली भी आया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा पौंड है, तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मछलियाँ भी है, लोग यहाँ मछलियों को दाना डाल रहे थे बिस्कुट वगैरह ला के। तो बेसिकली आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आप कहीं भी दौसा आते हो तो इस जगह ज़रूर आना, गेट ओ लव बर्ड हैबिटेट। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पक्षी मिल जाएंगे जो कि अभी मुझे तो नहीं दिख रहे इतने कुछ खास, पर हाँ जगह बहुत अच्छी है। गार्डन है, गार्डन किनारे आपको पानी की लेक मिल जाएगी छोटी सी जिसमें आप काफ़ी वाटर की एक्टिविटी कर सकते हो खुद से। यहाँ पे किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं करवाई जाती, ना कोई बोटिंग वगैरह है, खुद से आप जो कर सकते हो एंजॉय कर सकते हो, घूमने के हिसाब से पिकनिक के हिसाब से यहाँ आ सकते हो।
विद फ्रेंड्स विद फैमिली, जैसी आपकी इच्छा। बाकी चलो चलते हैं अब अपन यहाँ से, ये स्पॉट अपना कवर हुआ, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे और बताते हैं आपको कौन सा अगला डेस्टिनेशन। मंदिर है, चलो दर्शन कर ही चलते हैं। देख सकते हो दोस्तों अभी सिर्फ सुबह का टाइम है, अभी अभी ही काफी लोग आ चुके हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये मंदिर है, हो रही अपनी रेड क्वीन। चलो चलते हैं, रेड क्वीन की सफारी करते हैं। तो वक्त आ गया यहाँ से निकलने का, यहाँ से निकलते हैं अपन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पर। Head northeast, then slide right. Turn left onto Getalav Road. जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कितने सारे लोग नहा रहे थे, मुझे लगता है कि लोकल लोग तो यहीं आते हैं नहाने डेली, नहाना का नहाना, मस्ती की मस्ती। दोस्तों ये फिर आ गया समंदर पानी का, वो है ना, पहले सामने वाली गाड़ी को निकलते हुए देखते हैं अपन, फिर अपन निकालेंगे आराम से। काफी बड़ा गड्ढा है और पानी भी बहुत भरा हुआ है इसके अंदर, कुछ ना आराम आराम से निकाल लो, निकल जाएगी। कभी भी ऐसे गड्ढों में गाड़ी को बहुत स्पीड में नहीं निकालना चाहिए, स्लो स्लो निकालना चाहिए, पहले दूसरे गियर में आराम से निकल जाएगी। ये है दोस्तों दोसा का मशहूर गिरिराज जी मंदिर, और पहले आप नज़ारा लीजिए इस मंदिर का, क्या अद्भुत मंदिर है। और कमाल की बात यह है कि आज जन्माष्टमी है, वाह, तो अपन को इतना अच्छा मौका मिला है जन्माष्टमी के दिन दोसा के गिरिराज जी मंदिर आने का। देखिए क्या अद्भुत मंदिर है ना।
और आज जन्माष्टमी है, चलो चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। उधर महादेव का मंदिर है। अरे भैया, अरे मंदिर में सब चल रहा है सजावट का काम, शाम की तैयारियां हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए अद्भुत नज़ारा, ये सामने गिरिराज जी महाराज की प्रतिमा है, पर्वत उठाए हुए मूर्ति है, हाथ पे पर्वत उठा रखा है। देख सकते हो सुबह पहले ही मंदिर में कितनी भीड़ है, तो रात को यहाँ पे क्या हाल होगा। और दोस्तों गिरिराज जी महाराज जी के तो अपन ने दर्शन कर लिए, साथ में महादेव जी का मंदिर भी है, तो महादेव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। और सुबह का टाइम है, काफ़ी भीड़ है, फिर भी अपने दर्शन हो गए अच्छे खासे। नाइट में तो भाई साहब जगह नहीं मिलने वाली यहाँ, और कितना डेकोरेशन हो रखा है ना मंदिर के ऊपर, डिस्को लाइट्स वगैरह, रात को पूरा जगमग हो जाएगा, रात को नज़ारा देखने लायक होगा यहाँ। पर मुझे तो आज शाम को ही निकलना है यहाँ से, तो इसलिए मैं रात को, अगर नाइट में अगर मैं दोसा में रुका तो मैं आपको नाइट में ज़रूर दिखाऊंगा नाइट का लुक मंदिर का। चलो अभी भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। जय बजरंगबली। तो दोस्तों आपको गिरिराज जी का मंदिर देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। हो सकता है वीडियो तो आपको जन्माष्टमी के बाद देखने को मिलेगा, पर आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन किशन जी के मंदिर के दर्शन करने को मिल गए, इससे अच्छा दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है। तो मिलते हैं अब आपको अगले डेस्टिनेशन पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना। हाँ तो दोस्तों यही मंदिर के सामने एक होटल था चाय नाश्ते का, जहाँ पे अपन ने चाय पी ली, नाश्ता कर लिया कचौरी समोसे का। अब चलते अपन यहाँ से अपने अगले स्पॉट पर और बताते हैं आपको क्या है अगला स्पॉट।